दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त युगल। आज काफ़ी दिनों बाद मौका मिल रहा है ये वीडियो बनाने का, और ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन भाइयों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये नई दुकान है, और इस दुकान को मैंने अभी परसों ही स्टार्ट किया है। और वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि मैं बताना चाहता था कि 1.25 लाख रुपए की लागत से आप नई किराना दुकान अपने गांव में, अपने शहर में, कस्बे में, तहसील में, कहीं पे भी आप रहते हैं वहां किस तरह से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो लास्ट तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में बताऊँगा आपको कि मैंने ये नई दुकान खोली है, इस दुकान का साइज क्या है। तो दोस्तों इस दुकान की जो चौड़ाई है ना वो है 8 फीट, और जो इस दुकान की गहराई है वो है 16 फीट, यानी कि 8x16 की ये दुकान है। तो दोस्तों 8x16 का अगर मैं इंटू करूँ, 8x16, तो दोस्तों लगभग इस दुकान का जो साइज आएगा वो आएगा लगभग 130 स्क्वायर फीट। तो 130 स्क्वायर फीट क्या किराना की दुकान के लिए एक सफिशेंट जगह है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सफिशेंट जगह है। और अब मैं बताऊँगा आपको इसमें आपको कितना माल भरना है, कितने का फर्नीचर बनवाया मैंने, या फिर आप बनवाना चाहते हैं तो कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा और इजीली बताऊंगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछिए, मैं कमेंट का भी रिप्लाई दूंगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए, मेरा फ्रंट जो है, ये दुकान मेरी मेन रोड पर है। अब मेन रोड पर ये जो दुकान है, और ये दुकान का जो अपना, ये देखिए दोस्तों, ऐसे में जो चौड़ाई है इसकी 8 फीट है, और जो गहराई है वो है 16 फीट। अब ये जो आप काउंटर देख रहे हैं ना दोस्तों, ये काउंटर 6 फीट का है, और 2 फीट की जगह है जहाँ से मैं अंदर जाता हूँ। अब अंदर जाते ही देखिए दोस्तों, मैंने ये जो 2 फर्नीचर लगवाए हैं, ये जो फर्नीचर की जो रैक देख रहे हैं आप, इसकी जो हाइट है वो है 4 फीट, और जो चौड़ाई है वो है 6 फीट। तो 6x4 और 6x4, यानी कि 6x4 की मैंने ये 2 रैके लगवाई हैं, और मैंने ये जो दीवार पे बिल्कुल फ़िट करवा ली हैं, और ऊपर थोड़ा हाइट में फ़िट करवाई हैं। हाइट में फ़िट इसलिए करवाई हैं ताकि यहाँ पर मैं ये टंकियाँ रख सकूँ। अभी टंकियों में क्या आएगा, इन टंकियों में शक्कर, आटा, चावल, दाल, पोहा, सोयाबीन की बड़ी, ये चीज़ें आएँगी, और इनके ऊपर ये सारे सामान आ चुके हैं, और काफ़ी सारा माल अभी आना बाकी है। अब माल कितने का आएगा वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बता दूँगा आपको फर्नीचर मैंने कितने का लगवाया और किस तरह से लगवाया। तो ये फर्नीचर की 1 रैक 6x4 की, और ये दूसरी रैक, ये मैंने दीवार पे इंस्टॉल करवा ली। और सामने का जो फ्रंट का जो फर्नीचर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है ये इसकी हाइट है 8 फिट, और जो शॉप की पूरी हाइट है वो है 10 फिट। तो 8 फिट की हाइट तक मैंने ये लगवाया, तो ये 8x4 और ये 8x4 कि ये 2 रैके मैंने इसमें फिट करवा दी हैं। और ये जो इस तरफ देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर ये जो लोहे की जो अलमारियाँ थी, जो मेरी जो पहले की शॉप थी, वो किसी कारण मुझे बंद करनी पड़ी, तो उस शॉप की लोहे की रैक मैंने दोबारा से पुताई करवा के यहाँ पे इंस्टॉल करवाई हैं। तो टोटल जो शॉप का एरिया था वो था 130 स्क्वायर फीट। दोस्तों इस दुकान पर मैं पान मसाला बेचूंगा, डिस्पोजल आइटम बेचूंगा, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, किराना, ड्राई फ्रूट, तो जो भी डेली के जो सामान हम लोग यूज़ करते हैं अपने घर, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, वो सभी सामान मैं अपनी इस दुकान पर बेचूंगा। अब दोस्तों फर्नीचर मेरा कितने का आया, जो मेरा मेन जो अपना आज का वीडियो था वो था फर्नीचर के ऊपर, फर्नीचर में मैंने कितना इन्वेस्ट किया। तो ये जो रैक, ये 6x4 की 1 रैक, ये 6x4 की 2 रैक, जिसको मैंने आड़ा करके दीवार में फिट करवाया है, और उसके नीचे टंकियाँ आई हैं। और सामने की जो 2 रैके देख रहे हैं आप, 8x4 की और 8x4 की, ये 2 रैके हैं जिनको मैंने पीछे दीवार पे, लास्ट वाली दीवार पे इंस्टॉल करवाया है। तो ये दोनों रैक ये हैं, और 2 रैक ये हैं, ये मैंने चारों अभी नई परचेस करी हैं, और परचेस करने के बाद मैंने उनको अच्छे से पुताई करवाई है। और पुताई करने के बाद देख सकते हैं आप दोस्तों, ये देखिए पट्टियाँ कितने अच्छे से मैंने इसको पट्टियों को कलर करवाया है पेंटर द्वारा, ताकि इसमें चमक आए, जो भी अपन माल भरे तो वो उठा हुआ देखे ग्राहकों को, और थोड़ा अट्रैक्शन बने। और ये जो रैकें थी, ये लास्ट बताया था आपको कि मेरी शॉप जो मेरी बंद हुई, उस शॉप को मैंने निकलवा के यहाँ पे इंस्टॉल करवाया, और उनको अच्छे से पुताई करवा के यहाँ पे लगवा दिया। माल कितने का भरना है वो बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बता रहा हूँ कि टोटल कॉस्ट मेरी कितने की आई। और ये जो काउंटर है, ये मैंने नया परचेस किया है। शॉप का जो फ्रंट है वो 8 फीट का है, तो मैंने काउंटर जो है मात्र 2 फीट छोड़कर
रास्ता आने जाने का छोड़कर या फिर कोई माल वाल लाते हैं अपन शक्कर का बोरा वगैरह लाने के लिए थोड़ी सा गैप छोड़कर ये 6 फिट का मैंने काउंटर लिया है। अब ये पूरा फर्नीचर मैंने जो लिया है, मैं आपको बिल दिखा रहा हूँ, ये लिया है मैंने, बिल के ऊपर नाम देखिए आप, युगल आहूजा जी, 8x4 की दो रैकें, 6x4 की दो रैकें और एक काउंटर, ये मैंने लिया है मात्र 13,000 रुपये का। दोस्तों ये जो मैंने फर्नीचर अभी जो परचेज़ किया, ये मैंने रेडीमेड परचेज़ किया, मैं चाहता तो अपना फर्नीचर बनवा सकता था, लेकिन दोस्तों उसमें मेरा जो 13,000 का फर्नीचर है वो मुझे लगभग 28 से 30 हज़ार का पड़ता, तो समय भी जाता, तो इसलिए मैंने इसे रेडीमेड परचेज़ किया और ये मात्र 13,000 का परचेज़ किया, जिसमें एक काउंटर आया, दो रैक 6x4 की आई और दो रैक 8x4 की आई, जिसे मैंने रेडीमेड परचेज़ किया अपने भोपाल शहर से ही परचेज़ किया। 2,500 रुपये की रैकें आई मेरे को वाली, 2,500 रुपये की जो रैकें आई वो आई 8x4 की, 2,500 की एक रैक, यानी कि दो रैकें ये 5,000 की पड़ी और 6x4 की ये दोनों की मुझे 4,000 की पड़ी, यानी 2,000 की पड़ी, 2,000 की एक रैक पड़ी और एक काउंटर पड़ा मुझे 4,000 रुपये का। ये सब मैंने जो है, ये सब जो सामान मैंने ख़रीदा, ये ख़रीदा हमारे भोपाल जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर पास में ही एक सेकेंड हैंड मार्केट है, पर ये फर्नीचर नया है, वो क्या करते हैं कि पुराने फर्नीचर को रिनोवेट करके बेचते हैं, उनकी अलमारी बनाते हैं, उन लकड़ी को निकाल के अच्छे से फिनिशिंग करके देते हैं, तो कुछ पुराना मटेरियल होता है, कुछ नया लगा के वो लोग बेचते हैं। तो मात्र 13,000 रुपये का मैंने ये परचेज़ किया, कितना अच्छे से फिर मैंने ये देखिए वायर वगैरह बनवाया, मैं चाहता यहाँ पर पाइप लगा सकता था लेकिन मैंने सोचा चलो अभी करके देखते हैं, तो मैंने सिर्फ GI वायर जो आता है वो टंगवाया एक, और ये देखिए दूसरा, और अभी एक और ये भी टंगवाया तीसरा। अभी माल काफ़ी आना है और काफ़ी आ चुका है, तो माल कितने का आना है, क्या किस कैटेगरी को मैं कितने का माल भरूंगा और मेरी बिक्री कितने की हो रही है शुरुआत में, दोस्तों मैं सब आपसे शेयर करूंगा अगले वीडियो में आने वाले समय में। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ बताया कि 13,000 रुपये की मैंने जो फर्नीचर ख़रीदा था उसमें एक काउंटर आया, दो रैक 8x4 की आई और दो रैक 6x4 की आई, और ये जो टंकियाँ देख रहे हैं ये मेरी पुरानी शॉप की हैं। अब पुरानी शॉप मुझे क्यों हटानी पड़ी, क्यों बंद करनी पड़ी, उसके भी पीछे काफ़ी बड़ा कारण था, और वो जो एरिया मेरा थोड़ा दूर था, ये मेरी जो शॉप है मेरे घर के पास में है, तो बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी स्टोरी, और काफ़ी टाइम से मेरे वीडियो भी अपडेट नहीं हो पा रहे थे, ये मैं आपको आने वाले समय में बताऊँगा कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस, जो 7-8 महीने से मैं काफ़ी कम वीडियो बना पा रहा था, कहाँ बिजी था, मैंने क्या क्या स्टार्टअप स्टार्ट किए और कहाँ मैं सक्सेस हुआ, कहाँ मैं फेल हुआ, सब आने वाले समय में अपने वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको भी नई दुकान खोलनी है तो आप काफ़ी कुछ इससे जानकारी ले सकते हैं कि फर्नीचर कितने का आता है, काउंटर कितने का आता है और नई दुकान की जो शुरुआत है वो किस तरह से की जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊँगा आपको कि इसमें माल मैं कितने कितने का भरने वाला हूँ, वो मेरी सेल कितनी हो रही है, और जो मेरी पुरानी शॉप थी जो जिसपे मैंने बैठ के काफ़ी वीडियो बनाए हैं वो मुझे क्यों बंद करनी पड़ी, क्यों अपनी शॉप को एक एरिए से दूसरे एरिए में आकर शिफ्ट करना पड़ा, बताऊँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।